दोस्तों, क्या आपकी या आपके परिवार में किसी सदस्य की, आपके पति की, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, किसी की भी राहु की महादशा चल रही है और उसका आपको निगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर है, अगर वो बच्चा है तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दिन भर मोबाइल पर लगा रहता है, दिन भर मोबाइल को स्वैप करता रहता है, बड़े बुजुर्ग हैं बीमार हो रहे हैं, बार बार आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, या आप वाइफ हैं पत्नी हैं और मान लीजिए आपको अपने पति से ऐसा लग रहा है कि पति का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, तो ये निगेटिव राहु की जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर आ रहा है। अगर आप एक व्यापारी हैं और आप इसमें सफलता चाहते हैं और आपकी राहु की महादशा चल रही है और आप केवल और केवल पिछली बातों को सोच सोच के परेशान कर हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका राहु खराब है। राहु जब आपका अच्छा होता है तो आपकी सोच को बड़ा कर देता है, यानी छप्पर फाड़ कर देने वाले ऐसे आपको आइडियाज़ देता है। ऐसे ही लोग आपसे मिलते हैं जब आपका अच्छा राहु होता है, जो आपको आगे का रास्ता दिखाएं, और यही निगेटिव होता है तो आपको ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको बीते जमाने में ले जाएं, या वो लोग अपनी दुख भरी कहानी सुनकर आपको भी दुखी कर दें। सो कैसे करें अपने राहु को बलवान, कैसे करें ठीक, क्या उपाय करें, यूँ तो मैं ढेरों वीडियो आपको दे चुकी हूँ, उपाय बताती रहती हूँ। अगर आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हैं तो ये भी राहु की वजह से होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं तो ये भी आपको राहु कराता है। अगर आप ड्रग एडिक्ट बन गए हैं, किसी भी चीज़ के आप आदि हो गए हैं तो ये राहु कराता है। आपके संग धोखा हो रहा है तो ये राहु कराता है। कैसे समझें अपनी कुंडली में और कैसे उपाय कर लें, आज ये वीडियो बहुत खास है हर उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो कमाने वाला हो या स्टूडेंट हो या माता पिता हो या पत्नी हो। घर में भी अपने राहु को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर उसका घर, उसका परिवार और उसके खुद की दशाएं भी उसको जीवन में सफलता दिलाती हैं। जिनका राहु अच्छा होता है उन्हें नेम फेम अचानक से मिलने लगता है, अचानक से चमकने लगते हैं। आपने देखा है कोई भी बड़े नेता है जब राहु आता है तो चमकने लगते हैं, कोई भी धर्मगुरु है राहु के चमकने लगते हैं, राहु के आते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्चर, ये जो मोबाइल पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इत्यादि जो जितने भी बड़े शोध करता है ये सब राहु से, जितने भी अच्छे सर्जन हैं सब राहु से प्रभावित होते हैं। यानी राहु आपको नेम फेम समृद्धि देता है, लेकिन राहु आपको चीटिंग करना भी सिखाता है, यानी धोखाधड़ी, धोखेबाज भी बनाता है। आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। अगर आपका राहु पॉजिटिव है और उसको आपको और पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर लें, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यश दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले एक मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती, जिसमें दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद खास होता है। विशेषता यह है कि इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है न लग, किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। साथ में अपने जीवन में अपने चंद्रमा को, अपने ऑरा को और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई कर सकता है और सब कोई अपने जीवन में इससे आनंद उठा सकता है, क्योंकि हमारी समस्याओं की जड़ होता है चंद्रमा और ये चंद्रमा को ही बैलेंस करता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करो उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नहीं जुड़ी हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। एक मिनट का प्रयोग है लेकिन लाभ बहुत सारे हैं। 19 जून 2024 दिन बुधवार, आज का राहु काल है 12:22 से 2:07 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। आज पूरा दिन आप एनर्जेटिक बने रहेंगे और आपके राहु और केतु भी आपको शुभ फल देंगे। जादुई अक्षर है जा, जलज वाला जा। इस जा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर की पेंसिल के फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए।
24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाए। दोस्तों मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। आपको जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं और आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। और जो कंसल्टेशन नहीं ले सकते हैं वो ये वीडियोस देखकर समझकर इन उपायों को करें, तब भी बहुत हद तक आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। आज हमारी बात राहु के ऊपर हो रही है। अगर राहु ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी बना रखा है, यानी आप बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में हैं, आपका सिर्फ आप पिछली बातों को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, घर में क्लेश बढ़ गया है, या पत्नियाँ हैं दिन भर दुखी होती रहती कि पति नहीं सुन रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, ऐसी स्थिति आपके घर में हो गई है, या आपके घर में बीमारियों ने पैर पसार रखा है, तो ये उपाय आप लोग उसके लिए करेंगे। बहुत अधिक अगर आप निगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी सोच निगेटिव हो गई है, कमाने का मन नहीं कर रहा है, काम धंधे पर जाने का मन नहीं कर रहा है, तब आप ये प्रयोग करेंगे। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तब भी आप ये प्रयोग करेंगे। पहले तो देखिए, प्रयोग से पहले ज़रूरी है अपने घर में निगेटिविटी को हटाना। जब तक आपके घर से निगेटिविटी नहीं जाएगी, तब तक आप लाख जी मर्जी आप उपाय कर लीजिए, आपको फ़ायदा नहीं होगा। जैसे घर में अगर जंग लगा लोहा, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े हैं, तो ये आपके राहु को कभी शुभ नहीं होने देंगे। तुरंत हटा दीजिए, कबाड़ में बेच दीजिए। इनसे जो पैसा मिला है उस पैसे पर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर छिड़क के लाल कपड़े में बांध के अपनी गुल्लक या तिजोरी में रख दीजिए, इससे राहु आपका शांत हो जाएगा। दूसरा, अपने घर की छत हमेशा साफ सुथरी रखिए, क्योंकि छत क्या होती है, हमारा सिर। और जो अर्निंग पर्सन, यानी कि आपके घर में जो कमाने वाला पर्सन है, अगर आपकी छत खराब रहेगी वो सबसे ज़्यादा उसी को पीड़ा होगी, सबसे ज़्यादा वो मेंटल डिप्रेशन में रहेगा, काम पर जाने का मन नहीं करेगा, बार बार थनहानी होगी। तो अगर आपके पास छत है तो साफ रखिए, बिल्कुल भी कोई कबाड़ नहीं, किसी भी तरह की गंदगी नहीं, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं तो निरंतर साफ कराइए हमेशा। तीसरा है, आपका घर का बाथरूम और किचन, ये दो स्थान और हैं जहाँ राहु का निवास होता है, तो बाथरूम हमेशा साफ सुथरे साफ रखिए, जालियों पर गंदे बाल इत्यादि ना पड़े हों, गीले भीगे कपड़े ना पड़े हों, बाथरूम गीला ना हो, नल टपकते ना हो, ये आपके राहु और चंद्रमा को खराब करके धन हानि कराता और निरंतर आपको धन हानि होती रहती है। इसी तरह अपने किचन में, किचन को बिखरा मत रखिए, सिस्टमेटिक तरीके से रखिए, जूठे इत्यादि बर्तन मत रखिए। अगर आपको खाना बन रहा है उस समय आपको वहीं पर खाने की आदत है, आपको कढ़ाई में खाने की आदत है, या आपको चलते फिरते खाने की आदत है, आप भोजन को झूठा कर रही हैं, भोजन बनाते समय झूठा कर रहे हैं, तो ये आपके राहु को ख़राब कर देता है। कभी भी राहु का फिर आपका शुभ नहीं होगा, क्योंकि राहु आपको बदनामियां भी देता है कि ये किराए पर पानी फेर देता है, आपको कभी यश नहीं मिलने देता है। जी मर्जी आप दूसरों के लिए गर्दन काट के दे देंगे, सामने वाला आपको यश देगा ही नहीं, तो ये कराता है राहु। सो झूठे हाथों से खाना मत बनाइए, खाने को झूठा मत करिए, पहले भोजन भोग ईश्वर को दीजिए, उसके बाद आप इस भोजन को खाइए। नियमित एक रोटी किसी भी तरह से आपको घी चीनी लगाकर पक्षियों को जरूर डालनी है, अगर किसी की भी परिवार में राहु की मादशा चल रही है या राहु का अंतर चल रहा है इस तरह से, तो जरूर देते रहिए। अन्न, चीनी और घी, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके राहु को ठीक करेंगी। अब जिन्हें अपने राहु को अच्छा करना, अच्छा राहु के लिए एक चीज़ और आपको बता दूँ, राहु का रत्न गोमेद भूल से भी नहीं पहनना चाहिए जब तक कि आपकी कुंडली ना बोल रही हो। अगर आपका राहु सेकंड भाव में बैठा है, राहु आपका छठे भाव में बैठा है, राहु आपका अष्टम में बैठा, राहु आपको बारहवें में बैठा है, भूल कर भी गोमेद तो पहनना ही नहीं है, ये आने के साथ में आपको और डिप्रेशन में डाल देगा और आपको लॉसेस कराना शुरू कर देगा। अगर आप धन कमाने की चाहत है तब आपको ये प्रयोग करनी है। आप जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा चाहते हैं, ये भी आपको राहु ही दिलाता है। जैसे मैंने कहा, एक बड़े अमाउंट जो दिलाता है एकदम, एक अचानक से 1 करोड़ की लॉटरी, ये आपको केतु लगाता है, लेकिन बार 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 आपको छोटे छोटे से फायदे दिलाता है शेयर मार्केट से, इनसे ये कराता है आपका राहु। सो पहले तो अगर आप इन सब चीज़ों में पैसा लगाते हैं तो पहले अपने राहु को चेक कर लीजिए, कहीं आपका राहु सेकेंड भाव में तो नहीं है, छठे में नहीं है, आठवें में नहीं है, बारहवें में नहीं है, तब तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा है तो आपको इससे लॉसेस ज़्यादा होंगे, फ़ायदा नहीं होगा। राहु को अगर आपको इन क्षेत्रों से पैसा चाहिए तो पहले तो इलीगल तरीके से काम करना बंद करिए, क्योंकि राहु की महादशा में आप इस तरह से लोगों की प्रवृत्ति बनने लगती है,
आपने देखा खराब मोबाइल राहु वाले दिन भर मोबाइल पर स्वैप करके वीडियो देखते रहते हैं, सारा टाइम खराब करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं। लेकिन जिनका राहु अच्छा है वो व्यापारी अपने मोबाइल का यूज करके अपने व्यापार को बढ़ाते चले जाते हैं। सो राहु आपको मोबाइल के जो नेटवर्क चल रहा है, जो भी चीज़ है वो राहु ही है आपके हाथ में। एक अब जिन्हें धन कमाने की चाहत है, डेली साफ सुथरे होकर आप अपने कहीं भी बैठ जाइए, जरूरी नहीं पूजन स्थल पर, राहु का मंत्र दोपहर या सुबह के समय आपको जाप जरूर करना है। ओम रांग राहबे नमः, ओम रांग राहबे नमः, इस मंत्र की पूरी एक माला जाप करनी है। उस माला के जाप के दौरान आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। दूसरा, एक मोर पंख, एक छोटा सा मोर पंख अपने घर के मंदिर में कान्हा को अर्पित करके अपने पर्स में हमेशा रखिए। अगर छोटा बच्चा है, चौंक कर उठ जाता है, तो उसके गले में आप इसे लाल धागे में पहना सकते हैं, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तब भी उसको लाल धागे में बांधकर आप एक मोरपंख उसके गले में धारण करा सकते हैं, या महिलाएं बहुत अधिक डर लगता है वो भी इस मोरपंख को अपने गले में धारण कर सकती हैं। एक मोरपंख हमेशा अपने पॉकेट या पर्स में रखिए, पर्स में रखेंगे बहुत अच्छी बात है। साथ में चंदन का इत्र, संडल इत्र यानी चंदन का इत्र, इसे भी आप अपने पर्स में एक फाइल में लगाकर जरूर रखिए, और थोड़ा सा अपनी नाभि पर लगाकर रखिए। सो ये आपके इंस्टीट्यूशन को बढ़ाएगा, आपको इन क्षेत्रों से फायदा पहुंचाएगा, और आपको इनमें निरंतर तरक्की मिलती चली जाएगी, धन लाभ के रास्ते खुलते चले जाएंगे। राहु को शांत करने के लिए जिन्हें राहु से चाहिए, उन्हें राहु को का बीज मंत्र, देखिए रत्न हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, ये मेरा अपना निजी अनुभव है, तो मैं हमेशा रत्नों के फेवर में होती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ मंत्रों का जाप कर लीजिए, अपने लिए कुछ चाहिए तो कम से कम 10 या 5 मिनट अपने लिए आप निकाल ही सकते हैं। राहु का कलर है जैसे ब्राउन कलर, आप इसे पहनिए, ब्राउन कलर आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, आप ब्राउन कलर पहन सकते हैं, ब्राउन कलर का यूज़ करिए, पर जूते के रूप में आपको ब्राउन कलर यूज़ नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखना है। और जब भी आप इस तरह के किसी क्षेत्र में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ चेहरा कर लीजिए, और उससे पहले भी अपने आप से संकल्प ले लीजिए कि आप जो इसमें पैसा लगा रहे हैं, इससे जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको दान स्वरूप निकालना है, कुछ हिस्सा आपको गणेश जी को देना है, और कुछ आपको दान स्वरूप निकालना है। और ये दान आप देंगे किसी भी गरीब कोढ़ी व्यक्ति को, इस पैसे को आपको गरीब कोढ़ी व्यक्तियों की मदद करते जाएंगे, अनाथालय में दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में दे सकते हैं, कोढ़ी आश्रम में दे सकते हैं। सो आपको यहाँ से राहु, जब आप राहु के लोगों को इसका दान देना शुरू करेंगे, राहु आपको भर भरकर झोलियाँ देने लगेगा। पर राहु की दशा में एक बात और है दोस्तों, आपको हड़बड़ाना नहीं होता है, धैर्य से काम लेना है। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन आप ये सोचो कि राहु से बस आप जीतते ही जाओगे। कुछ दिन हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्र उस दिन और ज़्यादा आपके फेवर में ना हो, अकेला राहु ही नहीं और भी ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं। सो धैर्य के साथ में आप काम करिए, इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो राहु कभी आपको पीड़ा नहीं पहुंचाता। और ये उपाय भी कर लीजिए साथ में, ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये उपाय भी करिए और देखिएगा इनका चमत्कार। साथ में ही आप थोड़ा सा जौ ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, इसको डेली आप इस सतनाजा भी हम बोल सकते हैं, 7 तरह का अनाज डेली कटोरी में भिगोइए और अपने सिरहाने रख लीजिए, और डेली पक्षियों को डालना शुरू करिए, देखिएगा ये राहु आपको भर भर कर देने लगेंगे। सो यहाँ मैंने आपको उपाय बता दिए कैसे आपको करने हैं, जितनी आपकी चाहत होगी वो चाहत आपको मिलने लगेगी। दान ज़रूर करना है जिससे कि राहु आपसे प्रसन्न रहे हमेशा। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 19 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, ये अंक आपको वर्षवर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव लिखिएगा जरूर, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपको कभी भी जीवन में किसी से कुछ फ्री नहीं लेना है। आप अगर मेरा भी वीडियो सुन रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए, सो इससे आपको एक दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ फ्री में ग्रहण करते हैं अपने देवगुरु बृहस्पति यानी अपने भाग्य को कमजोर कर लेते हैं। तो अगर किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, मेरा ही नहीं किसी और का भी वीडियो देख रहे हैं, और आपको अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिसे आप अपना मानते हैं, अपने ग्रुप हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, शेयर कर दीजिए। अब वो इसे देखें ना देखें ये उनके ऊपर है, तो आपने एक पुण्य कर्म अपने क्षेत्र में अपने बढ़ा लिया, आप मेरे भी ऋणी नहीं हुए और आपने अपने भी ऋण आपने आपको
अपने पुण्य को आपने बढ़ा लिया। सो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। वीडियो में क्या समझ में नहीं आए, वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, कमेंट में लिखकर पूछेगा जरूर। कल फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।